स्टोरी सुननी है? हाँ स्टोरी। हाँ सुनो। हाँ सर, गांव किधर है पहले बताओ। गांव इधर। हाँ बताओ सर। हाँ बताओ। यस माय बॉय। सर इस गांव का नाम है कुलधरा। यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण रहता थे। एक उनकी लड़की थी, जैसलमेर का राजा था सलम सिंह, आया और लड़की को देख ली। फिर लड़की से बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कल लड़की ने कहा कि मेरा कुछ नहीं बसे, मेरे पिताजी से पूछिए। उस समय जब सालम शाह सैनिक होया करती थी, उन्होंने पता लगाया कि ये मुखिया की लड़की है। फिर मुखिया से कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कब मुखिया ने कहा हम पालीवाल ब्राह्मण, तुम बनिया, ऐसे कैसे हमारा धर्म चलेगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। कर नहीं दी तो मैं रात को उठाऊंगा। कर रात को मत उठाना, हमारी इज्जत चले जाएगी, हमें कुछ सोचने का वक्त दो। कर ठीक है, चार दिन की मोहलत दी, वहाँ छतरी पर मीटिंग मनाई। कहा जैसी बात हो रही है आज ऐसी बात हो रही है। कर एक दिन सालम साहब हमारी उठेंगे, एक दिन दूसरे लोगों को उठेंगे। इतने करके हम सालम सिंह को लड़कियाँ नहीं देंगे। एक ही रात में 24 विलेज 84 गांव खाली कर देंगे। एक ही रात में 24 विलेज 84 गांव खाली करने के बाद, उस समय जब बुड्ढे लोग चल नहीं पा रहे थे, उन्होंने श्राप दिया, कहा हम यहाँ चैन से न रह पाए, यहाँ जो भी बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी तक सुख में ना आएगी। ये सर स्टोरी है। और कहते हैं यहाँ भूत है, भूत है। आजकल इंसान से बड़ा कौन भूत है? रात को दारू पीने वाले आते हैं, वही भूत बनकर रात को शोर मचा देते हैं। जय हिंद जय भारत। वाह भाई मत बोला यार, इंसान ही भूत है भाई। आ जा सच में, हाथ मेरा सच में भारी वाला है। वो दूसरे धर्म में शादी करना चाहती थी, बस इसीलिए गांव ये खाली कर, अपनी इज्जत बचा कर गांव खाली करने चाहते थे, और ये लोग चूतिया बना रहे हैं। वरना अंदर जाते हम। तुम जाते क्या रात को भी? किसी को दिखा आज तक? हम लोकल आदमियों को जाने देते हैं, क्योंकि आप जैसे जाने देंगे तो अंदर वीडियो बनाएंगे, बाकी लोगों को शेयर करेंगे, तो वो देखेंगे कि अंदर है ही नहीं भूत, तो हम कैसे जाएं। हाँ हाँ, चूतिया बना रहे अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, भूत दूत कुछ नहीं, भूत दिखेगा तो आदमी मरना ही भी शुरू हो जाएगा ना फिर। हाँ बराबर। तुम लोग कैसे रहेंगे इधर फिर? हम कैसे रहेंगे फिर? हम भी यहाँ रात में रहते हैं, हम कहती में, हमको तो कुछ भी आवाज नहीं आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चूतिया बना रहे बस ऐसे ही। सिक्के चलते नहीं। चलते हैं ना? तुम्हारे इधर नहीं चलते सिक्के? चलते एक भी नहीं? बस हम सही कर यार, तुम्हारे पास छुट्टा है क्या? सिक्के क्यों नहीं चलते बताओ? 20 रुपीस ठीक है भाई, ऐसे तो देखो जितना दे लो उतना कम। पर तुमने सच में बहुत अच्छा सुनाया, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। ये लोगो भाई। हाँ खाने के लिए आपके पास? खाने के लिए नहीं, खाने के तो हमको ही पानी पीने का था। खुद पानी पीना, कोई दुकान नहीं है यहाँ पे? दुकान नहीं है गांव में, एक भी दुकान नहीं। तुम किधर रहते हो? घर वाले किधर है? अच्छा गवार। घर क्या गवार? क्या गवार होता है? अच्छा गवार होता है तुम्हारे इधर? चूरी बनती है ना। अच्छा हाँ हाँ, घूमने वाला कोई नहीं आता है? हम जैसा कोई आता है घूमने आंधी में? हाँ नहीं, कोई नहीं आता ना। बारिश होती नहीं रहेगी? सर्दियों में यहाँ बारिश में आते हैं। बारिश होती है यहाँ पे? बहुत थोड़ी, बहुत होती है। अच्छा है। कहाँ जाना है हमें? कौन यहाँ से राइट या लेफ्ट? ये बस आ रही इधर? हाँ बस आ रही उधर ना। गांव कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। अभी बोर्ड तो लिखा इधर ही गाँव है। 0 किलोमीटर अभी तो यहाँ हमारे पास गाँव में। ये सही बोल रहा है, सब चूचा बना रहे समझे। बोर्ड उधर लगा है 0 किलोमीटर पर, उधर गांव है ही नहीं, गांव और आगे 2 किलोमीटर है। क्या बात कर रहे हो? यहाँ से 1 किलोमीटर बन गया। हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर। हाँ वो क्या बस आई? बिस्किट वगैरह होगा? नहीं सच में नहीं, होता तो सच में देते। हाँ चलो आओ, सच में होते देता, पानी नहीं हमको पीने को सच में। चलो हाँ ये सारी कहानी है लोगों को फंसाने की, उलझाने की, येड़े में निकालने की। इतना सा छोटा बच्चा बोल रहा है कब से कि आजकल भूत लोग ही है।
वारी दुनिया वहाँ पे एंट्रेंस है शायद से। चलो क्या करने वाले, इधर से रास्ते है। ये क्या इधर क्या बिस्किट बांट रहे, पैसे काय के लिए मांग रहे अपन? समझ में नहीं आ रहा क्यों मांग रहे पैसे, कौन है, गवर्नमेंट है क्या? उसको उससे पास से ना रिसिप्ट ले लो सच में, नहीं तो उसको गाड़ी पे बैठा के ले। ओ इधर आओ, वो दिखाओ मेरे को बुक, वो नहीं बुक दिखाओ सिर्फ, ये ले लो ना 50-50 गाड़ी के। ये क्या है, जैसलमेर विकास समिति? हाँ। कितना देने का? 100 रुपए इस पे लिखा है ना, 50-50 गाड़ी का। डिस्काउंट नहीं क्या? डिस्काउंट आपके डिस्काउंट करती है। अच्छा आप संभाल रहे सब गांव को, मस्त काम कर रहे आप जी, मस्त। बाबा जी मेरे पिताजी है। अरे बाप रे, अच्छा है, नाराज हो गए निकल के, हमें घूमना ही नहीं। ये क्या भूत तो देख लेता। हाँ। इसको क्या पिया हुआ? आपके दोस्त भूत हमारे यहाँ पधार। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो। तो भूतों के गांव में एंट्री हो चुकी है भाई साहब, ये देखो रास्ता बनाया हुआ है। ये क्या है, पार्क खुलदरा, कौन सा पार्क है पता नहीं। ये टूरिस्ट स्पॉट बना दिया इन्होंने, पैसे कमाने का साधन। वो क्या उधर करते गांव में, ये पुराना गांव, यहाँ पे बोलते भूत है, पता नहीं अब है या नहीं है सच में। म्यूजियम शॉप, पुराने जमाने का गांव, पर रास्ते तो अभी के लग रहे हैं मुझे, और ये नए नए चेक पोस्ट। काफी बड़ा गांव है, काफी बड़ा दूर तक। यहाँ पे टूरिस्ट भी लोग आ रहे देखने के लिए। पुलिस, पुलिस है क्या, कौन है यहाँ पे? देखो कितने सारे टूरिस्ट है यहाँ पे फोटो खींचने के लिए आ रहे लोग। कौन सिटी बाजार है? अपन एंड तक जाके आते घर के गांव के, और इसमें एक चक्कर मारते पैदल, वॉकिंग करके देखते, क्योंकि लोग बहुत सारे घूम रहे यहाँ पे वॉकिंग। तो ये लास्ट पॉइंट है यहाँ का गांव का, यहाँ से रेगिस्तान चलो इधर। बताओ क्या लग रहा है तुमको? लड़का सही बोल रहा था, रहे ना लोग, छोटा जो बच्चा था ना, हाँ वो सही बना रहे, पागल बना रहे लोग, सही बोला उसने। कुछ है नहीं, भूत तो वो है जो रात में दारू पी के जो घूमते हैं, वही भूत है, वही भूत है असली। और भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, इंसान है, मर जाता है, आत्मा चली जाती है, खत्म, मट्टी बन जाती है वो। चलो गांव में चक्कर मारते पैदल, एक वॉकिंग गाड़ी लगा के। भूत ने पकड़ लिया पीछे से तो मुंडी मोड़ दी, अपने लोग है ना साथ में, वो भूत रहे, उसने बोला ना वो गाड़ी वाला भी भूत था। गाड़ी वाला भी भूत था, वो दारू पी के नशे में आया था, वो भूत हो गया। हाँ वो है। तो चलो चक्कर मारते और एक।
तो भाई साहब डर रहे थे अंकुश भाई जान, तो कुछ डरने वाला कुछ है नहीं वहाँ पे भूतों के गांव में, ना भूत है ना कुछ। और मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी है यूट्यूब पे या किसी से कि यहाँ से कोई जाता है तो एक दो महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। पर बताओ अब ये लोग यही के वो अब तक है। ये देखो यहाँ पे बच्चे भी है, बूढ़े भी है, औरतें भी है, यहाँ पे से जा रही है वो। भाई इधर आना, इधर आओ। ये गांव नया बांधा है क्या फिर से? नहीं नहीं, वो जो वो है वो मंदिर, वो पुराने जमाना है क्या? हाँ, पुराने। और वो उधर के घर भी पुराने हैं? हाँ। सब पुराना है, अभी नया का कुछ नहीं, 10-20 साल पहले का। चलो चलो वो मंदिर में जाते। बताओ यार लोगों को सच में पागल बनाते हैं लोग, भूतों का गांव बोल के। क्या घूमने के लिए पार्किंग नीचे है ना? पार्किंग नीचे यहाँ पर थोड़ी है। मैंने आपको विशल लगाया था ना, आप रुके नहीं क्यों? मैंने सोचा देखा ही नहीं आपको, आपने आपको देखा ही नहीं। मैंने सिटी का आवाज आया मेरे को, पर मैं वही सोच रहा था आवाज किधर से आया। अब यहाँ से गाड़ी ले जाओ, नीचे पार्किंग कर जाओ। अच्छा हेलो, कहाँ से? यहाँ से राइट मंदिर के, यहाँ से कहाँ से जाना है सर? राइट से ना, तो यहाँ पे पार्क करके आते है गाड़ी। किधर है पार्किंग? जगह नहीं आगे, पागल क्यों जो बोल रहे जगह नहीं के। बताओ अभी इधर है स्टेप्स है इधर, बता बता बता। किधर से? नहीं यार लगेगा नीचे, मत जाओ सर आगे देखो स्टेप्स है। ये भाई उतार लेंगे, उतार लोगे? ये देखो इधर साहब, क्या है पार्किंग है? पुलिस बोला नहीं क्या? हाँ बाहर लगाने की गाड़ी, उसने सीटी मारी थी ना। मैं सोच रहा था कि यहीं लगा लेते, तो सब गाड़ी वाले सभी लगा रात में का घूमेंगे सारे, ये काम करेंगे। चलो अंदर जाके आते घर में, मंदिर मंदिर बने। ये ना ये नया काम है, ये बना है टूरिस्टों के लिए, समझ गए? हाँ ये सब बना हुआ है, लोगों को पागल बना रहे, ये सब बना है। देखो ये रहेगा पुराना, गांव तो ये है देखो पीछे, घर ये, और ये आ गया ना टूरिस्ट के लिए बना है सब। ये देखो ये टूटा हुआ है क्या, ये गांव है, और ये जो बना है देखो पाइपलाइन वीपलाइन सब अभी का कंस्ट्रक्शन। ये घर थे पुराने, क्या कर रहे कोने में? यहाँ से पूरा प्राचीन गांव दिख रहा है जो पूरा टूटा पड़ा यहाँ से। और ये जो आपको अभी 2 मिनट पहले दिखाया ये सब अभी का बंधा हुआ है सब, देखो और तोड़ के रखा है। सुनो वो जो ऊपर आ जाओ इस पे, एक चीज दिखाते तुमको, ये घर है ना अभी बांधा हुआ है 5-10 साल पहले, और उसका देखो कैसे तोड़ के रखा है। किस लोगों को समझना चाहिए कि ये पुराने जमाने का है, और इतना बड़ा ये गांव, और लोग अभी भी बांध रहे देखो उधर एक बिल्डिंग। तो ये बना रहे ना, अब टूरिस्ट प्लेस हो गई, अब ये पैसे कमाएंगे। हाँ चलो इधर से जाते, धीरे चलना। अरे ये इधर से, सॉरी माई मिस्टेक। सब देखो, सब उल्टे लटके।
अपन। यहाँ से खिड़की है, पता नहीं अब ये पुराने जमाने का है और ये ऐसा यहाँ से गांव का नजारा। ये सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सॉरी। और ये यहाँ से ये नया बांधा है, टूरिस्ट प्लेस हो गया इसलिए। जाते फिर से सेकंड फ्लोर। आज तो हाँ जी जाऊँ। This is front side of village.